हेलो गाइस, सिमी दिस साइड, वेलकम टू उस्ताद चड्डू चैनल। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2, क्लास 9th, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। Matter can be classified into two types of substances, pure substances and mixtures. What is pure substance? Pure substance name से ही clear है, उसमें purity रहेगी। A substance that consists of only one type of particle is called a pure substance. For example, diamond, salt, sulfur, tin, etc. What is mixture? When we combine different substances into each other, a mixture is formed. For example, lemonade is a mixture of three substances: lemon juice, sugar and water. So what are homogeneous mixture? First of all, we discuss, when we add sugar, water and lemon juice together, then they are all uniformly mixed with each other. जब इन तीनों को हम मिक्स करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली, मतलब एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम, इस यूनिफॉर्म मिक्सचर को ही हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। रेशो ऑफ कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, वन में ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर इन लेमनेट, वाइल समवन एल्स मे ऐड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर इन देयर लेमनेट, स्टिल लेमनेट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ये अपने अपने चॉइस है, कोई शुगर ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, तो अकॉर्डिंगली वो एक लेमनेट प्रिपेयर कर लेगा। उसके बाद सेकेंडली आ जाते हैं हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। कंपोनेंट्स इन अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन ईच अदर एंड वी कैन सेपरेट दैम बाय फिजिकल मीन्स। इन अदर वर्ड्स, कॉम्पोजिशन ऑफ सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। इसमें ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। एंड अगर हम मिक्स करें सैंड को वाटर में, तो सैंड जो है सेटल डाउन हो जाएगी वाटर में, नीचे बैठ जाएगी रेत तो पानी में। एंड समटाइम वी कैन सेपरेट इट बाय फिल्ट्रेशन। कभी कभी हम इसको फिल्टर कर भी सकते हैं, बट ये हिट्रोजीनियस में कभी भी सैंड उतनी यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो सकती जितना वाटर में सॉल्ट और शुगर और लेमन जूस मिक्स हो जाते हैं। तो होमोजीनियस और मिक्स हिट्रोजीनियस हमने कर लिया। होमोजीनियस देखें तो दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, और हिट्रोजीनियस में दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर थ्रू द फिजिकल प्रोसेस, और मिक्सचर में हम हिट्रोजीनियस को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। मिक्सचर इन द सिंगल फेज थ्रू आउट और सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट फेसेस। तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, हिट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज नथिंग बट ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस किसके हो सकते हैं? लिक्विड इन टू लिक्विड, जैसे वाटर एंड इंक, सॉलिड एंड सॉलिड एलॉयज आ गए, गैस इन टू गैस एयर हो गया, सॉलिड इन टू लिक्विड शुगर एंड वाटर, सॉलिड इन टू गैस हाइड्रोजन एंड मेटल्स, लिक्विड इन टू गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज एन अलॉय। अलॉय क्या रहता है? अलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग फिजिकल मेथड। फॉर एग्जांपल, इसमें ब्रास है एंड ब्रॉन्ज है, ठीक है। अब आ जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन अगर हम देखें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट होता क्या है? Substances in which another substance is mixed is called solvent. For example, water is solvent in which we can mix different substances which are salt, sugar. पानी एक हमारा जो है वो solvent है, उसमें हम sugar, salt, नींबू कुछ भी mix करें वो एक अलग बात है। और solute क्या होता है? Substances that is added to solvent to form a solution. उसमें जो solute होते हैं वो जो मिक्स हो जाएंगे, यानी कि सॉल्ट हो गया, चीनी हो गई, नींबू हो गई, ये सब जो मिक्स हो जाएंगे वो सॉल्यूट होंगे। तो सॉल्यूट से ही एक मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू नेक्ड आइज,
अब वाटर में नमक और चीनी मिक्स हो गए तो कैसे देखेंगे? और इन पार्टिकल्स को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, मतलब अगर वाटर में शुगर सॉल्ट मिक्स हो गए तो उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। फिर आ जाता है व्हाट इज स्टेबल सॉल्यूशन। अ स्टेबल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच हुज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इफ़ वी लीव द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ स्टेबल सॉल्यूशन आर होमोजीनियसली स्प्रेड। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट है, अनसेचुरेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, ये सब हम अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले। तो डाइल्यूट क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट में को 500 ml वाटर में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन दस ऑब्टेंड विल बी डाइल्यूटेड। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट हैज़ नॉट अचीव्ड इट्स सेचुरेटेड लेवल। इसको हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन विच ए लार्ज विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड सिंस इट हैज़ ऑलरेडी डिजॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट कैन बी कॉल्ड अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सारे हमने सॉल्यूशन जो है इसमें डिस्कस करें। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, व्हाट आर कोलॉइड्स, है ना, उसके बाद कोलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टी है ये हमने डिस्कस करना है और क्लासिफिकेशन करनी है कोलॉइड्स की, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स करने हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।